चारों तरफ लेकिन दूसरी तरफ कोरोना महामारी को लेकर हर सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मास्क पहनकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पहली बार ऐसा है मास्क पहनकर लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। कई भक्तों से दरभंगा दर्शन ने पूछा, उनका कहना है कि मैं अपनी मनोकामना के साथ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना महामारी से विश्व को कल्याण करें और लोगों की रक्षा करें। वहीं दूसरी तरफ 1982 से छठी पोखर पर हो रहे रावण वध इस बार कोरोना महामारी को लेके नहीं किया जा रहा है। दरभंगा दर्शन की एक रिपोर्ट। कल्याण करे माता, सबसे दुख कष्ट निवारण करे, ये कोरोना बीमारी जल्दी खत्म कर दे। अच्छा, कोरोना वायरस की आपने बात की है, लेकिन मंदिर में भी मास्क पहन के ही आना है। अभी पूजा कर रहे हैं। तो क्या भगवती से क्या मांगेंगे कि आपके जो महामारी जो कोरोना है उसे कैसे माता राम दूर करें? वो तो माता ही दूर कर सकती है, उन्हीं को पता है कैसे दूर होगा, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख कर ही दूर कर सकते हैं। तो माता साहब ने क्या कामना की है? अब वो मन में कर ली कि मतलब कोरोना वायरस जो अभी पूरे विश्व, हाँ ये तो पूरा वर्ल्ड के लिए मांग लिया है कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए और अपने लिए इससे दूर किया जाए। भगवती से हमने मांगा है कि हमारे पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे गांव, पूरे देश को सुरक्षित रखे इस कोरोना महामारी से। जय माता दी, कोरोना से बचावे, कोरोना से बचावे। क्या क्या आपने कामना की? ये कोरोना देश आवे माँ के दरबार में सभी भक्त आते हैं अपनी अपनी मनोकामना के लेकर, उन्हें पूर्ण भी होता है। इस बार जो महामारी है कई व्यवस्थाएं की गई है, क्या कहेंगे आप? व्यवस्था हम लोग जो है COVID-19 के नियमों को पालन करते हुए और सरकार की जो दिशा निर्देश उसका पालन करते हुए पूर्ण व्यवस्था किए हुए हैं। सौंठ से लेकर के खचा भराने तक, भैया का पट खुलने तक पूरी व्यवस्था की हुए हैं। जो आप देख रहे होंगे अभी अधिकांश के बाद अभी जो है मास्क लगा के आए हुए हैं, खचा भरे हुए हैं, रस्सी का पास बल्ले का व्यवस्था खचा भरने में भी किए हुए हैं।
मंदिर पर भी भीड़ जो है 5 से 7 आदमी के रखे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं भीड़ होने देते हैं। और जो है शाम का भी जो हम लोग का फंक्शन है महाआरती का, उसमें भी सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए हम लोग अभी तक करवा रहे हैं। अच्छा, इस यहाँ तो ये छठी पोखरा यहाँ रावण मध कितने सालों से होता था? रावण मध सर तो इस घड़ी 1982 से ही हो रहा है यहाँ पर। तो क्या इस बार नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? यही जो सरकार का दिशा निर्देश आया है कोरोना महामारी को देखते हुए, चाहे तो अपराध भी रहती हमारे यहाँ रावण मध में। रावण मध एक महीना पहले से अपने यहाँ बनता है, और जो 50-60 फीट का राम मंदिर रहता था ऊंचाई लंबाई इनका, उनको देखते हुए भीड़ को नहीं, भीड़ तो हम लोग पर काफी होने की वजह से कि महामारी ने किसी में ऐसा प्रवेश कर दिया, उसको लेकर देखते हुए गवर्नमेंट का दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम लोग ने इस बार स्थित कर दिया है सुंदरपुर छठी पोखर वार्ड नंबर 2 से राम मंदिर का कार्यक्रम। नाम बताया जाए? हमारा नाम वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर। ऐसा लग रहा है कि पहली बार मास्क पहन के भक्त जो है सो मंदिर में आ रहे हैं माँ भगवती के दरबार में। क्यों ऐसी परिस्थिति हुई पैदा कि माँ मंदिर के दरबार में ही मास्क पहन करना पड़ा भक्तों को? सारे कोरोना के वजह से जो भी कोरोना चला है ना, महामारी, उसके कारण सारे लोगों को जो है ना मास्क पहन के आना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, क्या क्या परिस्थिति बनी कि मास्क पहन करना पड़ रहा है? ये कोरोना महामारी के कारण हम लोग सारे भक्तजन माता के दरबार में मास्क पहन के आए हैं। जो भी नियम है कोरोना से रिलेटेड सारे का पालन करें।